साल 1911 में एक जेनेटी नाम की ट्रेन लगभग 106 लोगों को लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक सुरंग में जाकर गायब हो गई। लोगों ने सुरंग में ट्रेन को जाते हुए तो देखा, लेकिन उस टनल के दूसरी ओर निकलते हुए नहीं देखा। इस हादसे के हो जाने के 100 साल बाद आज भी कई लोग उस ट्रेन को देखने का दावा करते हैं। क्या सच में आज भी जेनेटी ट्रेन लोगों को दिखती है? क्या यह ट्रेन टाइम ट्रेवल में खो गई थी? तो फिर उस ट्रेन में बैठे 106 यात्रियों का क्या हुआ होगा? तो बात शुरू होती है साल 1911 में, जब एक इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल ट्रेन को लॉन्च करा है और 106 रेगुलर कस्टमर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्रियों ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई, 10 मिनट तक सभी यात्रियों ने ट्रेन का मजा उठाया। मजा भी क्यों ना उठाए, फ्री की टिकट जो थी। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई, जिसमें यह ट्रेन उस टनल के अंदर चली गई, लेकिन वह ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ पाई। वहां की पुलिस ने उस टनल में ट्रेन को बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा उस टनल में नहीं मिला और उन 104 पैसेंजर्स का भी कुछ पता नहीं चल पाया। जी हाँ, 104 यात्री, 2 यात्री बच गए व बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उनसे इस हादसे के बारे में पूछा गया, तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, कुछ बता नहीं रहे थे। लेकिन जब वो थोड़े नॉर्मल हुए, तब उन्होंने बताया कि जब वह ट्रेन आगे बढ़ रही थी, तभी एक टनल दिखा जिसमें वो ट्रेन उस टनल के अंदर जा रही थी। तब उन्हें ट्रेन के आगे धुआं निकलते हुए देखा और उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एक रहस्यमय धुआं को देखकर वो काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वापस कभी नहीं निकली। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे, यानी कि भूतकाल पास्ट में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 में, लेकिन इतिहास में देखें तो वर्ष 1840 में 104 यात्री एक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी के मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो सभी बहुत अजीब हरकत कर रहे थे, लेकिन वह सब कह रहे थे कि वह लोग ट्रेन से आए हैं। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मैक्सिको तक जाए। हैरान करने वाली एक बात और थी कि इन लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। सन 1840 में मैक्सिको के एक डॉक्टर ने यह बताया कि उनमें से एक के पास सिगरेट का डिब्बा था, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 लिखा हुआ था, जो कि आज भी वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है। यह अजीबोगरीब घटना आज तक की पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का दावा लोगों ने किया है, वो ठीक वैसे ही है जैसे ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। ये ट्रेन आज भी टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है, जो कि किसी टाइम स्लिप या ग्लिच के कारण हुआ है। तो क्या उस ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग के समय गलती से कुछ ऐसी मशीन का निर्माण तो नहीं हो गया जिससे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो? फ्री के टिकट लेकर वो 104 यात्री आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप भी फ्री के टिकट लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं अपनी वीडियोस जब भी अपलोड करूं वो आपके मोबाइल में जाए।